अभी तक बहुत कुछ चला तो कहीं चलिए नसीब की थोड़ा बात किया जाए, क्या कहते हैं? ऐसा है कि नसीब की बात नहीं, होनी को कौन टाल सकता है? कि नसीब की बात नहीं, होनी को कौन टाल सकता है? ये तो बताओ, बदनसीबी को कौन संभाल सकता है? कि नसीब की बात नहीं, होनी को कौन टाल सकता है? ये तो बताओ, बदनसीबी को कौन संभाल सकता है? एक बात कहना चाहूंगा, ना कोई शौक से शराब पीता है, शराब पीने के पीछे बहुत सारे मतले रहेंगे, उसी के साथ चलते हैं। कि नसीब की बात नहीं, होनी को कौन टाल सकता है? ये तो बताओ, बदनसीबी को कौन संभाल सकता है? तलब उसकी है, गौर फरमाए कि तलब उसकी है, शराब तो बस एक बहाना था। कि तलब उसकी है, शराब तो बस एक बहाना था, मुफ्त में तो सिर्फ दर्द ही हमें पाल सकता है। और मेरे अजीज एक भाई ने ये जिक्र किया था जहर का, तो इसके ऊपर कुछ लिखा है मैंने ऐसा कि खुद को चार दीवारी में कैद कर रखा हूं मैं, कि खुद को चार दीवारी में कैद कर रखा हूं मैं, जीते जी खुद को दफन कर रखा हूं मैं, कि खुद को चार दीवारी में कैद कर रखा हूं मैं, जीते जी खुद को दफन कर रखा हूं मैं, बेखौफ धड़कने हैं खामोशी से गूंजता, कि बेखौफ धड़कने हैं खामोशी से गूंजता, जहर पीकर भी तो हजम कर रखा हूं मैं। और जब याद की बात चली तो दफ्तर की बात की है भैया ने, दफ्तर में याद आ जाता है। तो ऐसे ही एक ख्याल है कि दिन ढलते ही उसकी याद आ जाती है, कि दिन ढलते ही उसकी याद आ जाती है, शाम की सरहद पर रात आ जाती है। कि दिन ढलते ही उसकी याद आ जाती है, शाम की सरहद पर रात आ जाती है, मैंने तो उसे डायरी में कैद कर रखा था, कि मैंने तो उसे डायरी में कैद कर रखा था, फिर भी दफ्तर में उसकी बात आ जाती है। और अब देखिए लिखते हैं शेर, शायरी लिखना, मैंने पहले बात किया था विवेक भैया से, तब विवेक भैया से कर गए, विवेक भैया पूछ रहे थे क्या लिखते हैं, तो उनको मैंने जवाब दिया था कि मैं शायरी नहीं, मैं शख्सियत लिखता हूँ। तो देखिए कि शख्सियत कैसा है, मैं बयां करता हूँ कि मैं पन्नों पर नहीं दिल पर लिखता हूँ, कि मैं पन्नों पर नहीं दिल पर लिखता हूँ, मैं खता नहीं अदा लिखता हूँ। गौर फरमाए कि मैं पन्नों पर नहीं दिल पर लिखता हूँ, मैं खता नहीं अदा लिखता हूँ, खत लिखता हूँ उसे हर रोज मगर, कि खत लिखता हूँ उसे हर रोज मगर, नाम से पहले बस बेवफा लिखता हूँ। तो ऐसा था कि मैं पन्नों पर नहीं दिल पर लिखता हूँ, कि मैं पन्नों पर नहीं दिल पर लिखता हूँ, मैं खता नहीं अदा लिखता हूँ, खत तो लिखता हूँ उसे हर रोज मगर, कि खत तो लिखता हूँ उसे हर रोज मगर, पर नाम से पहले बस बेवफा लिखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मुलाकात की, देखिए आखिरी मुलाकात, ना से गौर फरमाया कि आखिरी मुलाकात मैंने बयां किया है, हर एक कदम पर लगा कुछ खास खबर होगा, कि हर एक कदम पर लगा कुछ खास खबर होगा, उसकी लवों पे मायूसी और सूरत में गुस्सा मगर होगा, कि हर एक कदम पर लगा कुछ खास खबर होगा, उसकी लवों पे मायूसी और सूरत में गुस्सा मगर होगा, सीने से लगाकर उसे शाम की गुजारिश करता, कि सीने से लगाकर उसे शाम की गुजारिश करता, पलके झुकी और आंखों में आंसू अगर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कि पलके झुकी और आंखों में आंसू अगर होगा, बेहया नजरे उसकी लगा तलाश रही है हमें। विवेक भाई गौर फरमाइए कि बेहया नजरे उसकी लगा तलाश रही है मुझे, कि बेहया नजरे उसकी लगा तलाश रही है हमें, कि बेहया नजरे उसकी लगा तलाश रही है हमें। बारीकी देखिए कि बेहया नजरे उसकी लगा,
कि बेहया नजरे उसकी लगा तलाश रही है हमें, लगा नहीं कि ये बेसबर असर मुझ पर होगा, लगा नहीं कि ये बेवजह असर मुझ पर होगा, और लगा नहीं कि ये बेवजह असर मुझ पर होगा। सवाल जिंदगी और मौत का था जनाब, कि सवाल जिंदगी और मौत का था जनाब। रुखसत हो गया मैं जब उसने कहा, रुखसत हो गया मैं जब उसने कहा तुम्हारा मौत बेहतर होगा। बहुत अच्छा।